गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। पिछली क्लास में मैंने बताया था डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लीफ। आज मैं बता रही हूँ फंक्शन ऑफ द लीफ। लीफ हैज ए ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल। लीफ के अंदर एक ग्रीन सब्सटेंस होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। इट हेल्प्स द लीफ टू प्रिपेयर फूड। ये इस पिगमेंट की वजह से जो लीफ होती है अपना खाना तैयार करती हैं। द लीफ प्रिपेयर फूड विद द हेल्प ऑफ वाटर। जो लीफ होती है वो पानी, सनलाइट, सूरज की रोशनी और एक गैस जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, उसकी सहायता से अपना खाना तैयार करती हैं। इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। सिंस द लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट सो दे आर कॉल्ड किचन ऑफ द प्लांट। क्योंकि पत्तियां भोजन के लिए खाना तैयार करती हैं तो इसको हम प्लांट का किचन कहते हैं, रसोई घर कहते हैं। पौधों का रसोई घर पेपर में आ जाए। विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज नोन एज किचन ऑफ द प्लांट। तो आप लिखेंगे आंसर लीफ। लीफ गिव्स आउट एक्सेस वाटर फ्रॉम द प्लांट थ्रू द स्टोमेटा। जो लीव्स होती है, आपको मैंने बताया था लीव्स के लोअर साइड पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा की हेल्प से लीव्स एक्स्ट्रा वाटर प्लांट से बाहर निकाल देती है। लीव्स ऑफ सम प्लांट सच एज कैबेज, स्पिनच एंड मिंट स्टोर फूड। वी ईट सच लीव्स एज ए पार्ट ऑफ फूड। कुछ प्लांट्स की लीव्स में जैसे कि पत्ता गोभी, पालक, धनिया, पुदीना, कोरिएंडर भी होता है, मिंट, पुदीना, ये सब इनमें खाना स्टोर होता है जो हम भोजन के फॉर्म में लेते हैं। अब ये देखिए, ये लीफ है, ये कैसे खाना बनाती है, इसको फूड फैक्ट्री कैसे लगते हैं। सन से सनलाइट ले रही है, एनवायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के थ्रू एंटर हो रहे हैं और ऑक्सीजन खाना बनाती है इसमें ये, और वाटर एंटर थ्रू द स्टेम, स्टेम से रूट से एब्जॉर्व करके स्टेम ने वाटर लीव्स को प्रोवाइड किया और खाना बनाया। और खाना को उसने खाना बनाते इसमें वो ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं जो हम सांस लेने के काम आते हैं, और फूड गोज टू द अदर पार्ट, और भोजन प्लांट के दूसरे पार्ट्स में स्टोर हो जाता है। ये आप ये देखिए, ये सब लीव्स के पार्ट्स हैं। स्पिनच, पालक हैं, ये पत्ता गोभी है, ये पुदीना है, जो हम भोजन के फॉर्म में इनको कई तरह से यूज करते हैं। नेक्स्ट है फ्लावर। ये फ्लावर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट का सबसे सुंदर पार्ट फ्लावर है। पेपर में आ जाए नेम द ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द प्लांट, तो आप लिखेंगे फ्लावर। सम प्लांट्स हैव ए सिंगल फ्लावर, सो मैनी वी हैव, अदर्स हैव सो मैनी दैट इज इम्पॉसिबल टू काउंट देम। सम प्लांट्स हैव ए सिंगल फ्लावर, कुछ प्लांट्स के सिंगल फ्लावर होता है और दूसरों के इतने फ्लावर्स होते हैं कि उनको हम उन फ्लावर्स को काउंट करना भी असंभव है। संभव मतलब उनको काउंट नहीं कर सकते। हाउएवर ऑल फ्लावर्स हैव द सेम बेसिक पार्ट्स। फ्लावर के सब सेम बेसिक पार्ट्स होते हैं। प्लांट प्रोड्यूस फ्लावर टू मेक सीड्स। प्लांट प्रोड्यूस फ्लावर्स। प्लांट पे फ्लावर उगते हैं और जो फ्लावर में सीड्स ग्रो होते हैं जिसे हम नया प्लांट तैयार करते हैं। ये आपको डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर दिखाए हैं, लोटस, रोज, सनफ्लावर, बोगनविलाई और डेजी। सम फ्लावर ग्रो इनटू फ्रूट्स, कुछ फ्लावर फ्रूट्स में ग्रो हो जाते हैं। जैसे ये फ्लावर दिखाया, ये एप्पल का फ्लावर दिखाया इन्होंने, जो एप्पल में बन गया और उसके अंदर जो एप्पल जब हम खाते हैं उसके अंदर से सीड्स निकलते हैं और इस सीड्स को हम ग्रो करते हैं, नया सा प्लांट एप्पल बन जाता है। ये डू यू नो भी पढ़ लीजिए। सम फ्लावर्स हैव ए स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस, कुछ फ्लावर्स में एक मीठी मीठी खुशबू आती है जिसको, वो किसकी वजह से आती है, नेक्टर की वजह से, मकरंद। द नेक्टर अट्रैक्ट इंसेक्ट टुवर्ड्स इन फ्लावर। फ्लावर में मकरंद होता है और जो कि इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ खींचता है। उसके बाद आगे हमारा फ्रूट्स एंड सीड्स। फ्रूट्स हैव सीड्स, फ्रूट्स के अंदर सीड्स होते हैं। सम फ्रूट्स हैव वन सीड्स, सम हैव अदर हैव मैनी। कुछ फ्रूट्स में एक ही सीड्स होता है, दूसरों में कई होते हैं। ए मैंगो हैज वन सीड, आम में एक ही सीड होता है। वाइल्ड एंड ऑरेंज हैव फ्यू सीड्स, जबकि ऑरेंज में कई सीड्स होते हैं। पपाया हैज मैनी सीड्स, पपाया में बहुत सारे सीड्स होते हैं। देर आर फ्यू सीड्स दैट हैव नो सीड लाइक बनाना, कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनमें कोई भी सीड नहीं होता, जैसे कि केला। अब ये दिखा रहे हैं आपको मैंगो, मैंगो में, मैंगो आप सब खाते हैं, उसमें एक ही गुठली निकलती है। ये एप्पल, एप्पल में कुछ फ्यू सीड्स होते हैं। और पपीता, पपीता में बहुत सारे सीड्स होते हैं। और केला जिसमें कोई भी सीड्स नहीं होता है। वीट, सम सीड्स सच एज वीट, राइस, ग्राम, बीन्स एंड कॉर्न, दीज सीड्स आर कॉल्ड एडिबल सीड्स। कुछ प्लांट्स के हम सीड्स खाते हैं, जैसे गेहूं, चावल, बाजरा, बीन्स, कॉर्न, मक्का, इनके सीड्स खाते हैं, जिनको हम एडिबल सीड्स कहते हैं।
कुछ मसालों में सीड्स खाते हैं, जैसे मस्टर्ड, सरसों के बीज, जीरा, काली मिर्ची, इनके हम सीड्स खाते हैं। ये दिखा रखे हैं आपको गेहूं के सीड्स जिनका हम आटा पिसवाते हैं, बीन्स, किडनी बीन्स जिसको हम राजमा कहते हैं, और राइस ग्राम जिनको हम चने कहते हैं। ग्रोइंग ऑफ ए सीड, एवरी सीड हैज ए कवरिंग अराउंड इट, इट इज कॉल्ड द सीड कोट। सीड के बाहर एक कवरिंग होती है जिसको हम सीड कोट कहते हैं। इफ यू शो के ग्राम सीड एट नाइट एंड ब्रेक इट इन द मॉर्निंग, यदि तुम एक चने के बीज को भिगो देते हो और सुबह उसको देखते हो, इसके आप दो पार्ट्स कर सकते हैं। इट इज कॉल्ड बेबी प्लांट, और उसको प्लांट इनसाइड इट, वेन द सीड गेट्स इन द वाटर एयर एंड मॉइस्ट, द बेबी प्लांट ग्रो स्टार्ट करेगी। जब इसको मिट्टी में उगा देंगे और इसको प्रॉपर वाटर टेम्परेचर और वार्मथ मिल जाती है तो ये उगना स्टार्ट हो जाता है, और कुछ ही दिनों में, इन ए फ्यू डेज, इट ग्रो इन टू ए बिग प्लांट, और एक बड़े प्लांट में ग्रो हो जाता है। द ग्रोइंग ऑफ ए सीड इन टू ए बेबी प्लांट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। इस तरह से छोटे से सीड का बड़े प्लांट में उग जाना जर्मिनेशन कहलाता है। ये देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको, ये छोटा सा सीड्स है, सन से इसने सनलाइट ली, वार्मथ हुई, वाटर हमने इसमें वाटर दिया और मिट्टी में इसमें उगा किया, कुछ दिन एक दो दिन के बाद आपने देखा इसमें से छोटा सा सीड निकलना शुरू हो जाती है, फिर ये ग्रो होता है, जो रूट्स होती है मिट्टी के नीचे चली जाती है, जो ऊपर वाला पार्ट होता है जिसको स्टेम कहते हैं, यंग प्लांट ऊपर आ जाता है, और फिर ये थोड़ा स्टेम, थोड़ा कुछ दिनों के बाद ये थोड़ा और बड़ा होता है, इस पर स्टेम आ जाता है, मेच्योर प्लांट हो जाता है, और इसमें आप लीव्स देख के फ्लावर भी देख सकते हैं। ये ग्रोइंग ऑफ ए सीड इन टू ए प्लांट की, एक सीड कैसे प्लांट में ग्रो करता है। इस तरह से हम सीड्स को ग्रो करके प्लांट बन जाते हैं, जबकि जिसका भी हम सीड्स ग्रो करते हैं वही प्लांट कुछ दिनों के बाद तैयार हो जाता है, और उससे हम दोबारा से वही चीज प्राप्त करके, इस तरह से प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, तो इस अब आ गया आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम आपकी एक्सरसाइज कराऊंगा।